100% sure. सर, जो फिल्म सिटी बन रही है यूपी में, वो कितना सहायक होगा भोजपुरी इंडस्ट्रीज के लिए? बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज जितनी फिल्में बन रही हैं भोजपुरी की, मोस्टली अब ना सिर्फ भोजपुरी, हिंदी फिल्में भी, हिंदी वेब सीरीज, सारे लोग यूपी आ रहे हैं, शूट कर रहे हैं, तो उनके लिए तो मतलब सोने पे सुहागा हो जाएगा। वुमेन सेफ्टी की बात करें मैम, तो यूपी क्या पहले से आपको लगता है कि बेहतर है, सेफ है? डेफिनेटली है, डेफिनेटली है। बस इतनी सी बात, समाज बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, माइंडसेट बदल रहा है। अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है आपको लगता है इन 4-5 सालों में? डेफिनेटली मिला है, और यूथ जो है उन्होंने बहुत कुछ चेंज किया है, और आई थिंक बहुत सी चीज़ें ग्रो हो रही हैं और होंगी। तो क्या हमारी भाषा का सम्मान नहीं हो रहा? तो कोई ज़रूरी नहीं है कि गाने से ही सम्मान दिया जाए। लालू प्रसाद जी ने पूरी दुनिया में अपने आप को बड़ा किया ना, मुलायम सिंह ने किया ना, हमारी दुनिया एकनाथ जी ने किया ना, तो हमें जाना जाता है, हमें दुनिया पहचानती है, ये हमारी उपलब्धि है। अब ऐसा नहीं कि वहाँ गाना बजेगा तभी हमारी उपलब्धि होगी, हम वहाँ बज रहे हैं, अगर हम बजे नहीं तो वहाँ गए कैसे? तो हमें तो कहीं ना कहीं संगीत से जाना ही गया ना, कि खेसारी बिहार का बेटा है, ये भोजपुरी भाषा का औलाद है। तो आप उससे निरेक्त मत करिए कि हाँ आप वहाँ गाना बजवाइए तभी उपलब्धि है। आज हमारे पापा चीज पैट पहन रहे, जबकि लोग पहले धोती पहना करते थे। तो चीज़ें बदलती है, और उसके साथ अगर हम नहीं बदलें तो उसके बाद भी कहेंगे कि आज भी आप वही कर रहे हैं, आप बदल नहीं पा रहे हैं, जनरेशन को समझ नहीं पा रहे हैं। तो हमारे सवाल आपके बिल्कुल सही थे, लेकिन आज आपके ही घर में लड़कियां जींस पैंट पहनती हैं, आप उनको क्यों नहीं बोलते हैं सलवार सूट पहनने के लिए? आप अपने पत्नी को खुद ही जींस पैंट पहनाकर और बाइक पे बैठाकर मार्केट लेकर जाते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं कि साड़ी पहनो? तो चीज़ें बदलती है, जनरेशन चीज़ें बदलता है, बात वही है, उसका डिजाइन अलग हो जाता है। मतलब अब भोजपुरी बदलने वाला है पूरी तरीके से? भोजपुरी नहीं बदलेगी, स्टाइल बदलता है, भाषा नहीं बदलता, भाषा तो वही है। आज का खोइबो, कहाँ जाइबो, खोइलो कि ना खोइलो, बोले के तो वह बा, लेकिन बोले के स्टाइल चेंज बा। पहले हम धोती पहन के बोलते थे, कि पहले हम जब जाते थे किसी के लड़का देखने तो सर चिवरा मीठा मिलता था, आज कोई दे सकता है क्या? आज कोई देगा तो लोग दुनिया बोलेगी भाई अभी पुराने ख्यालात के। तो इंसान बदले कैसे? सबसे पहले हमें अपने मानसिकता को बदलनी पड़ेगी। क्या मानते हैं कि सर ये जो आज रिलीज हुआ है ये कितना धूम मचाएगा, और जो यूपी और बिहार की बात करते हैं, झारखंड की बात करते हैं, जो भाषा की शैली की बात करते हैं, उसको कितना और उछाल मिलेगा इस गाने? देखिए आपको इसको बढ़ावा देना है, क्योंकि आप भाषा की बात करते हैं तो आपका भी दायित्व बनता है जी। ये आपका भी फर्ज है कि अगर कोई भोजपुरी का बेटा इतने बड़े लेवल पे काम, और इतनी बड़ी कंपनी अगर भोजपुरी भाषा को बढ़ाने के लिए काम कर रही है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ भोजपुरी को अश्लील बोलने के लिए बैठे हैं? भोजपुरी अश्लील है, अश्लील है। इसी सारे गमा हम भोजपुरी पे, मैंने जय जय शिवशंकर और इसी बनारस की धरती पे किया था, उसका व्यू जाकर देखिए, अभी तक 20 मिलियन नहीं हुआ सर। तो जब हम अच्छे गाने गाते हैं तो आप उसको बढ़ावा क्यों नहीं देते? तो इस दुनिया में अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। सफ़र करने के लिए सर BMW की ज़रूरत नहीं है, जिसके पास क्षमता नहीं है वो ट्रैक्टर से भी अपने स्टेशन जा सकता है। तो हर आदमी अपने लेवल पे अपने मंजिल को पाने की कोशिश कर रहा है, उसमें वो बुरा नहीं है सर। विक्रम सर, भोजपुरी सिनेमा के प्रति आपकी क्या योजना है फिल्मों को लेकर? हम लोग पहले तो मुझे पिछला वाला सवाल था वो जवाब दे दूं कि गाना कितना बड़ा होने वाला है। मेरा मान के चलना है कि ये जो बादशाह जी का हिंदी वाला गाना था, शायद इससे बड़ा गाना बन जाए हमारे पास। और एक और चीज़ है, ये गाना और हमें पूरी अटेम्प्ट यही है कि हम इस गाने का प्रमोशन सिर्फ इधर नहीं कर रहे हैं यूपी और बिहार के अंदर, ये पूरा साउथ इंडिया के अंदर जा रहा है और ईस्ट इंडिया के अंदर जा रहा है। तो हर जगह इस गाने का प्रमोशन होने वाला है। दो चीज़ें, केसारी और अक्षरा भी नेशनल लेवल पे नोन हो जाते हैं और गाना बड़ा होता चला जाता है। दूसरा सवाल पिक्चरों का, हाँ जी, अगर हम इस एरिया में घुस रहे हैं तो सिर्फ गानों के साथ नहीं घुस रहे हैं, सारे काम आप भोजपुरी की पिक्चरों में भी घुसने वाला है और पिक्चरों का दर्जा भी ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। ये तरीके से भाषा इसमें अपना भोजपुरी वर्जन में वो गाना गाना, आने वाले समय में और भी जो गायक हैं बॉलीवुड के जो सिंगर्स हैं उनसे क्या इस तरीके से रैप आप बिल्कुल करवाने की कोशिश करेंगे? देखिए बादशाह, अगर बादशाह जैसा हिंदुस्तान का नंबर वन सिंगर है वो इस समय, अगर वो
पहली बात कि भोजपुरी में तैयार होते हैं और अपने आप से अपियर होने को तैयार होते हैं और केसारी को पूरी तरह से जानते हैं, अक्षरा को तो अब सभी जानते हैं। वो ऐसा नहीं है कि अब ये आर्टिस्ट नेशनल लेवल पे नोन होते चले जा रहे हैं इस समय, और आई थिंक यही सबसे बड़ी चीज़ है। और आप देखोगे और कई सारे सिंगर्स अब हमें अप्रोच कर रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या हम आपके साथ भोजपुरी में भी गाना गा सकते हैं, और भोजपुरी सिंगर्स हम लेके जा रहे हैं कि बाकी लैंग्वेज के गाना क्यों ना गा सकते। अब जहां तक जो सवाल कह रहे हैं कि भोजपुरी हमारी बढ़ क्यों नहीं रही, अब इससे ज्यादा क्या बढ़ेगी? एक इंडिया का टॉप का आर्टिस्ट जिसका नाम बादशाह है और वो भोजपुरी गा रहे हैं, बोल रहे हैं, अब क्या चाहते हैं आप? हम बिल्किश से गवा दें तब तो बहुत बढ़िया रही। ए भैया बादशाह हमारे भाषा को गा रहे हैं, बोल रहे हैं, ये हमारी उपलब्धि ही तो है भैया। बहुत सारे अब सर हम प्लाज्मा बांटेंगे का करेंगे सर हम कोरोना का